ये क्या हो रहा है? यहाँ से लगी है सीढ़ी और पूरा टैंक हो गया है साफ, और वो है इसके ऊपर डालने के लिए चादरें। फिर इसको भर दिया जाएगा और इसके ऊपर चादरें डाल दी जाएगी। मैं और मम्मी सुबह सुबह ही अपने पुराने वाले घर से नए वाले घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ये टैंक पड़ता है। मम्मी ने ये भी सुबह सुबह ही साफ कर दिया। ये टैंक जो है वो मनरेगा के अंतर्गत बनते हैं, जो स्कीम है वो बना हुआ है। यहाँ पे भर दिया जाता है क्योंकि पानी की प्रॉब्लम होती है कई बार यहाँ पे, तो पानी यूज़ यहीं से ही किया जाता है। हालांकि यहाँ बगीचों में पानी शायद नहीं डाला जाता है क्योंकि उतना यहाँ पे नहीं पड़ती है। इस बार तो खैर काफ़ी ही हो गया है, बारिशें हो नहीं रही है। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम अपने नए वाले घर के पास। था यहाँ पुराना घर था, लेकिन अब यहाँ नया बन गया है, दादी वाला घर था। नीचे वाला भी रख दिया है ऐसे के ऐसे ही। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आप वाला घर, क्योंकि थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया है। ये अंदर से बंद किया हुआ है किचन वाला डोर, तो यहाँ से दिखता है व्यू कुछ ऐसा। अभी धूप वहाँ लगी है और मेरे एरिया में ना वो पार्क को उधर वाली साइड को धूप लग गई है। यहाँ तो धूप बहुत लेट लगती है। यहाँ से काम रोक दिया है इन लोगों को, उन्हें ठंड पड़ गई है। तो यहाँ से है मेन डोर और ये मम्मी खो रहे हैं डोर। बोलो कुछ अपने घर के बारे में। ये है हॉल, रुको अभी मत खोलो, ऐसे मत खोलो एकदम से, रुको। ये है हॉल, हॉल का डोर। यहाँ पे ना सारा काम हो गया है, लाइट ऑन करती हूँ। ये देखिए सीलिंग का भी हो गया है और विंडो वगैरह हर चीज़, शीशे वगैरह और डोर का भी सब चीज़ें हो गई है। यहाँ बचा क्या, सिर्फ फर्श बिछना, और उतने में पड़ गई ठंड। अब कब होगा यहाँ पे काम? अब मार्च में होगा काम। और लाइटें वगैरह सब कुछ ही फिट हो गई है। ये वाला ना पूरा ही हॉल है, तो यहाँ अभी बस फर्श बिछना रहा और इस तरह से। तो मुझे लगा चलिए आप लोगों के साथ। क्या लगेगा? हाँ जी, झूमर लगेगा। अभी वो सिलेक्शन मैं करूँगी यहाँ के लिए, क्योंकि मैं हूँ इन लोगों का मेन, तो मैं ही करूँगी। जब यहाँ के लिए टाइल्स वगैरह लाऊँगी तो अभी बात यही लगी थी। देखिए ये देखिए, तो यहाँ से ना व्यू बड़ा अच्छा दिखेगा। इधर को ये गांव और इधर को देखिए हमारे पहाड़ों में ना अंदर से ही फिर काफ़ी अच्छा दिख जाता है। तो चलिए ये था हॉल, डबल डोर है। तो यहाँ पे लाइट ऑफ कर देंगे, वैसे लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ये है सेकंड, मम्मी ने खोल दिया है ये वाला। और यहाँ पे भी सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पे भी बस थोड़ा बहुत यही फर्श वाला काम बच गया, ठंड पड़ गई तो फर्श नहीं बिछा। यहाँ पे भी है, लाइटों की ज़रूरत है ही नहीं है, लाइट आ रही है अच्छे से। यहाँ से भी दिखता है कुछ इस तरह से बाहर का व्यू, और वो उधर साइड को है हमारे चाचा जी का घर, तो वो तो मैंने पहले भी दिखाया है। तो चलिए फिर इस वाले रूम को यहाँ से फिर इधर को बाहर, ये चलिए अब यहाँ से भी, यहाँ पे भी है एक रूम। ये वाला रूम हमेशा बंद ही था क्योंकि यहाँ पे ना सामान था, लॉक नहीं लगा था। तो यहाँ थोड़ी लाइट की ज़रूरत है। यहाँ पे ना बिल्कुल छोटा सा रूम है, ये दीदी की बेटी के लिए स्पेशल बनाया है, छोटी सी है। यहाँ पे भी सेम इस तरह से है। तो
एक सिंगल बेड लगेगा छोटी बेटी के लिए, छोटा सा रूम बना दिया है। यहाँ पे ना कप रखे हुए हैं पानी वाली और कुछ सामान, बस फर्श बिछना है सब में इसमें बाकी। तो चलिए ये है किचन, माता जी जा रहे हैं, मेरी मम्मी ने, बुआ ने और पापा ने तीन घर बना दिए हैं। दूसरा ये है, एक तो जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है, यहाँ लाइट नहीं है, लाइट डोर ओपन करो। तो किचन अभी पूरा ही फिनिशिंग लाने का है। किचन कुछ ऐसा है, यहाँ पे है सिंक एरिया, गैस एरिया, और उधर को पड़ेगी सारी शेल्फ पे पड़ेगी ना इधर, और यहाँ है डोर, उधर को भी खिड़की है साइड में, यहाँ देखिए, और यहाँ से फिर बाहर के लिए इस तरह से डोर, और ये वाला यहाँ तो डाल दिया है, यहाँ तो बिछ गया ना मार्बल, तो बिछ गया फर्श, और टाइलें बच गई क्योंकि ठंड पड़ गई, फिर वो हो गया। किचन काफी अच्छा है, यहाँ पे भी सामान रखा है। क्या सामान, यहाँ देखिए घर में ही बेलना चकला, नगराओं मतलब की डोगरी के लिए बनाया है घर में ही हमारा ये दूसरा घर है। तीसरे घर को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वहाँ पे भी तो मेरा वाला घर भी तो बनेगा होना कभी, हाँ जी मेरे लिए भी। और ये वाला तो बस ऐसे ही है, थोड़ा सा बेसिन एरिया जहाँ पे मतलब कि हाथ वगैरह धुलेंगे, और ये है बाथरूम, यहाँ पे भी नहीं लाइट है ना, यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, यहाँ पे बाथरूम है, और ये एग्जिट डोर है यहाँ से ऊपर के लिए, छत पर जाने के लिए अंदर अंदर से ही, मतलब कि थोड़ा सा ताकि बाहर ना जाना पड़े। यहाँ से कुंडियाँ लगी हुई है यहाँ पे भी, दोनों दो ऐसी लगाई है ना सारी सारी कुंडियाँ, क्या है ये, ये बाहर से बंद किया, रहने दो, ये बाहर से बंद किया, यहाँ से ऊपर साइड छत पे जाने के लिए है, और बाद में फिर यहाँ से आएगा नीचे से। कितने नीचे भी, चार चार कमरे बनेंगे, हाँ जितना ऊपर है उतना ही बनेगा। यहाँ से नीचे के लिए सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ फिर लाइट के लिए ये है। मुझे जो है एक कमेंट आया था, बहुत आगे थे वैसे बीच बीच में, कि आपको ये वाला घर दिखाना है आपने, तो मैंने इसी पर्पज से आज ये दिखाया है। हेलो, अभी मैं एक वीडियो का, हेलो जी, हेलो जी, ये मेरे मम्मी तो मेरी तरह है देखने को, कैसे हैं आप लोग बताइएगा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मेरे को मेरी मम्मी की मैं कार्बन कॉपी हूँ। तो पता क्या, हम लोग ना अभी सो के उठी हूँ, एक वीडियो एंड की है क्योंकि चार्जर नहीं था, आई और सीधा ही, तो मैंने तो अभी हेलो हाय भी नहीं की है, तो वेलकम टू माय चैनल, एंड छोटी सी इस वाले घर की, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे बोला था इस वाले घर को भी दिखाने को। तो अभी यहाँ पे सीलिंग रूम में ये डोर वगैरह पेंट वगैरह नहीं हुआ है क्योंकि ठंड पड़ गई। रुको मैं बात कर रही हूँ, लाइट रहने दो, मम्मी ने लाइट ही बंद कर दी। तो पता क्या, यहाँ पे ना तो है, जब यहाँ पे हो जाएगा मार्च में काम होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ठंड, मेरे को तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, तो मेरे को तो ठंड लगती ही लगती है। तो चलिए छोटी सी वीडियो मैंने, हाँ जी मम्मी बोल रहे हैं कि इन्होंने भी अब डोगरी पे जाना है, तो सर्दी में चले जाते हैं यहाँ से, तो मैं भी अब दिखाऊंगी थोड़ा सा घर के पीछे से, शेयर करूंगी आपके साथ। तो छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने ये शेयर की है आज आपके साथ, आई होप आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे ही एंड, तो इन्होंने भी बंद करना है अपना घर, मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बाहर से थोड़ा बहुत व्यू दिखाती हूँ। बज के 52 मिनट हुए हैं और धूप भी लगनी शुरू हो गई है, यहाँ से निकल रहा है सूर्य।